गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गॉड मदर इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 8, हेली हब्स। हेलिंग हब्स मतलब उपचार की जड़ी बूटी। एक्टिविटी 1, अ साइंस फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर ऑफ चिल्ड्रंस योर एज। साइंस का एक फेयर था, मतलब मेला था, कि जिसमें जो कहा था, कहा जाना था गांधीनगर आपके जितनी ही एज के बच्चों के लिए। आसमी वुड लाइक पार्टिसिपेट इन इट, कि आसमी नाम की जो लड़की है उसने भी उसने उसमें पार्टिसिपेट किया। सी डिसाइडेड टू मेक विद हर सेल्फ प्रिपेयर्ड हब बुकलेट, कि उसने उसने डिसाइड किया कि वो जड़ी बूटी की टू टेक हर सेल्फ प्रिपेयर, कि वो खुद ही कुछ बनाएगी किस में से, जड़ी बूटी की बुक में से। ध्रुवी वॉज ट्राइंग शार्पन अ पेंसिल विथ ब्लेड व्हेन सी कट हर फिंगर एंड स्टार्टिंग ब्लीडिंग। वो एक बहुत ही मतलब वो एक पेन बना रही थी। शार्पन मतलब गति वृद्धि करना, तेज, जो तेज हो वो तेज कर रही थी पेंसिल को, किससे, ब्लेड से तेज कर रही थी, तो क्या हुआ, उसकी फिंगर कट गई एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गए। इमीडिएटली हर मदर्स ब्रॉट अ पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर, तभी उसकी मम्मी ने उस पर क्या छिड़का, टर्मरिक पाउडर पाउडर डाला। अप्लाई इट ओवर वाउंड एंड पास इट हर्ड, द ब्लीडिंग वॉज कंट्रोल्ड। हर्ड मतलब जड़ी बूटी, कि जब उसकी मम्मी ने उस वाउंड मतलब उस घाव पर जब अप्लाई किया टर्मरिक पाउडर, तो वो जो ब्लीडिंग थी वो कंट्रोल हो गई, मतलब वो ब्लीडिंग बंद हो गई। ध्रुवी आस्क हर मदर वाई सी अप्लाई टर्मरिक पाउडर द वाउंड, कि तुमने वाउंड मतलब घाव पर, तुमने घाव पर उसकी मम्मी को पूछा कि तुमने घाव पर टर्मरिक हल्दी क्यों अप्लाई की, हल्दी क्यों लगाई। और मदर रिप्लाई, उसकी मम्मी ने कहा कि माई मदर यूज द टर्मरिक पाउडर, कि मेरी मम्मी भी टर्मरिक पाउडर यूज करती थी। वेन एवर वी वेर हर्ड, कि जब भी हमें जड़ी बूटी की जरूरत होती थी। लेटर ऑन आई रीड इन मैगजीन टू टर्मरिक पाउडर वॉज एक टू गुड इन एंटीसेप्टिक, उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हल्दी का हल्दी पाउडर जो है वो एंटीसेप्टिक है। व्हाट इज अन एंटीसेप्टिक मदर, उसकी मम्मी को पूछा कि ये एंटीसेप्टिक क्या है। विल आई थिंक एन एंटीसेप्टिक इज समथिंग That helps of wound, कि एंटीसेप्टिक ऐसी चीज है कि जो घाव भर देती है। अगर हमारी चीज पे कोई हमारे मतलब हमारे शरीर पे कोई भी घाव हो तो वो भर देती है। एक्टिविटी 2, ध्रुवी मीट्स अ डॉक्टर, ध्रुवी डॉक्टर से मिली। हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू, हेलो डॉक्टर कल्याणी आप कैसी हो। वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि हम लक्ष्मी हम बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं। इट्स नाइस ध्रुवी हैज ऑल्सो कम विथ यू, ये अच्छा हुआ ध्रुवी तुम भी साथ में आ गई। माई मदर सेइंग टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक, कि मेरी मम्मी ने कहा कि जो हल्दी है वो क्या होता है एंटीसेप्टिक, इज दैट सो, क्या ऐसा है। वो ध्रुवी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्रुवी का अगला प्रश्न था। यस इट इज, क्या कहा, हाँ सही है। डॉक्टर कल्याणी हैज नो हेजिटेशन इन रिप्लाई, कि डॉक्टर कल्याणी है वो आंसर देने में क्या कर रही थी, रिप्लाई देने में संकोच कर रही थी। सॉरी कल्याणी हैड नो हेजिटेशन, मतलब उन्होंने कोई संकोच नहीं था, उन्होंने बिना संकोच के रिप्लाई दे दिया। डॉक्टर कैन यू टेल मी मोर अबाउट द टर्मरिक प्लांट, क्या आप मुझे हल्दी के प्लांट के बारे में और कुछ बता सकते हैं। विच आर इट्स अदर यूज, कि वो और किस में यूज होती है।
विच साइंस डील्स विद द स्टडी इन मेडिसिनल प्लांट, कि विच साइंस डील्स विद अ स्टडी, कि साइंस में हम जो पढ़ते हैं मेडिसिनल प्लांट, दवाइयों के प्लांट के बारे में. थ्रू वी लिसन हर क्वेरीज, मतलब वो प्रश्नों को वो सब सुन रही थी. विच साइंस डील्स विद स्टडी मेडिसिन प्लांट, सॉरी नो बे Nowadays, botany is deals with study in few medicinal plants. There is also Indian system of medicine. कि साइंस में हम जो मेडिकल और उसके प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, इज ऑल्सो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये इंडियन की मेडिसिन है. इंडियन में सब लोग क्या यूज करते हैं ज्यादातर, जड़ी बूटी. यू मीन्स आयुर्वेदा. ध्रुवी इंटरवेंट. ध्रुवी ने कहा आपका मतलब है आयुर्वेद. यस, आयुर्वेद मीन्स अ साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेद का क्या मीन्स है? साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन एंड क्यूर ऑफ डिसीज. ये जो आयुर्वेदा है वो क्या हो? प्रिवेंशन एंड क्यूर ऑफ डिसीज की रोगों के लिए है. थ्रू आयुर्वेदा वंस कैन लर्न अबाउट द एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स ऑन वायरस डिसीज. की जो आयुर्वेदा है वो वंस कैन लर्न अबाउट एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स. की आयुर्वेदा वो डिफरेंट जड़ी बूटियों में से हम बना, मतलब हम लर्न करते हैं अलग अलग, मतलब डिफरेंट जड़ी बूटीज, वायरल डिसीज की जो सॉरी वेरियस डिसीज, मतलब जो हम हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे, उस रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटीज हम लोग बनाते हैं. सच स्टडी ऑफ हर्ब्स अ पार्ट ऑफ द साइंस. की ये जो स्टडी है वो किसका पार्ट है? साइंस का. हाउ डज टर्मरिक एक्ट एंड कोल्ड, जो कोल्ड है, जो ठंड है, उसमें टर्मरिक कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ यू नो कोल्ड इन वायरल इन्फेक्शन. यू नो दैट कोल्ड इज वायरल इन्फेक्शन. कि कोल्ड में जो वायरल इन्फेक्शन होता है क्या ऊपर से जानते हैं? टर्मरिक हैज एंटीवायरल इफेक्ट. कि टर्मरिक क्या है? उसका एंटीवायरल इफेक्ट. अगर आपको खांसी आ रही हो और अगर आप गर्म पानी में अगर टर्मरिक और थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप पी ले तो आपको खांसी, आपकी खांसी चली जाएगी. इसमें भी आप कोल्ड में इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं. इंडियन वुमेन्स अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट. इंडियन वो वुमेन है वो अपने पैर के पंजे में टर्मरिक अप्लाई करती है. इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस हैबिट टू. कि इसमें कोई रीजन है दिस हैबिट टू? यस देयर इज. मोस्ट ऑफ वुमेन वर्क इन वॉटर फॉर लॉन्ग टाइम. कि ज्यादातर जो वुमेन्स होती है वो पानी में ज्यादातर काम करती है. दिस कैन लेड इन इन्फेक्शन फॉर द फिट. इसके लिए उनके पैरों के पंजे में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है. टर्मरिक प्रिवेंट्स इन इन्फेक्शन. टर्मरिक हल्दी इन्फेक्शन के लिए ही है. हैंस वुमेन अप्लाई इन देयर फिट. की इसलिए वुमन है वो अपने फिट में अप्लाई करते हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट टॉक ऑफ द टर्मरिक इन क्रीम्स. कि अब मैं समझ गई कि क्यों क्रीम्स में हल्दी, टर्मरिक इन क्रीम, मतलब हल्दी वाली जो क्रीम है उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है. थैंक यू डॉक्टर, यू हैव गिव मी सच इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन हर्ब्स एंड वाई दे आर यूज इन डेली लाइफ. कि हमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी जड़ी बूटी के बारे में और उसे कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू.